तो वाया देहरादून अभी दिल्ली पहुंच चुकी है तमाम, और वाया ये विशेष विमान पहुंची है तमाम हलचल, क्योंकि जो भी विधायक थे वो देर रात विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पहुंचे विधायकों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। उत्तराखंड के सभी विधायक जो हरीश रावत सरकार से खफा है, चाहे बीजेपी के हो कांग्रेस के, दिल्ली पहुंच चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ हैं, हरिद्वार से सांसद हैं। निशंक जी, अब अल्पमत में सरकार आ गई है, राज्यपाल से मुलाकात भी हो चुकी है, आगे की रणनीति दिल्ली में क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा और उसके बाद सुई सरकार जब गिर गई तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था, तो उनका इस्तीफा न होना ये भी दुखद है, और इसलिए सारे लोग राजभवन में गए हैं और राज्यपाल जी से अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अल्पमत में आ गए हैं तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राज्यपाल जी से बातचीत, निश्चित रूप में वो गवर्नमेंट बर्खास्त होगी। जब बर्खास्त होगी तो अगला कदम क्या होगा ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। सर, जिस तरीके से रिलीज आई है राजभवन की तरफ से, कहा गया कि संवैधानिक मामला है, सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा, आपको लगता है कि अब अगली मुलाकात राष्ट्रपति से भी आप लोग कर सकते हैं संख्या बल दिखाने के लिए? देखिए, ये तो राज्यपाल जी के निर्णय के बाद अगला कदम होगा कि क्या करना है, लेकिन ये बात सही है कि संवैधानिक विषय है, लेकिन संवैधानिक विषय होते हुए भी जो सच है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। 35 लोग राजभवन में गए हैं और जबकि हमारे एक विधायक को आज सुबह अरेस्ट कर दिया गया है तो, और उनको अधिकार से वंचित किया गया मतदान के, ये संविधान में इसकी व्यवस्था है। और मैं समझता हूं आज पहला इतिहास में हुआ कि जब उनको जबरदस्ती सुबह विधानसभा जब चल रही हो और विधायक को अरेस्ट कर दिया गया हो, तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से किया, दादागिरी की है, वो इस बात का सबूत है कि वो बौखलाहट है और सदन में वो गवर्नमेंट गिर चुकी है और इसलिए उसको सत्ता में बने रहने का वैसे भी कार्यकारिणी की बैठक भी है, अमित शाह से मुलाकात किया, तभी सभी जो 9 विधायक कांग्रेस के हैं वो करेंगे, कल कार्यकारिणी में जाएंगे, किस तरीके से होगा? और भी विधायक आ सकते हैं, कोई जरूर नहीं, वो कार्यकारिणी में तो वो तो उनकी इच्छा होगी कि वो जाए नहीं जाए, और लेकिन कांग्रेस और भी विधायकों के आने की संभावना हो। समाचार प्रस्तुत करने के बाद बहुत शुक्रिया। चलिए।